I've fallen in love with I Love. I love you. Él bole, wow. कट किया एंड टाइटल्स सुपर यार जबरदस्त है क्लाइमैक्स तो जबरदस्त है क्लाइमैक्स में उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया ना उससे मजा आ गया तुम्हारी कहानी आइसक्रीम से भी अच्छी है अरे शालिनी आज तक शशि की कोई बात तुम्हें गलत लगी है क्या सही बोली लेकिन ये तो गलत नहीं है सॉरी हाँ क्या बेबी तुम कुछ नहीं कर रही हो तुम्हें पसंद नहीं क्या पसंद नहीं आया आर यू सीरियस मैं तो खुद को हीरोइन की तरह इमेजिन कर रही थी मामू मैं हीरो तो फिर मैं Obviously, तू विलन अरे तू हीरो और मैं विलन और मैं तो कैमरामैन कस 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 उफ उफ आ ऐसे ओके मैं राइटर असिस्टेंट डायरेक्टर सुपर टीम भी तैयार है हेलो 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 लड़के लड़कियों सब अपनी अपनी पोजीशन ले ले रहे हो लेकिन फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर कहाँ है डोंट वरी एक प्रोड्यूसर से अपॉइंटमेंट लिया है आज ही मिलना उसे ऐसे कार में रुपया लेकर के जाता है वहीं पे एंड टाइटल है सर अच्छा है इंटरवल पॉइंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा लगा सर सुपर थैंक्स सर थैंक्स अ लॉट सर थैंक्स एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो सुपर हिट हो जाएगी बिना किसी डाउट के सर बात यह है कि मैं खुद डायरेक्ट करने वाला हूँ अपने लिए ही ये कहानी लिखी है मैंने तुम करोगे जी सर तो एक्टर कौन है इन दोनों में से एक हीरो होगा सर ये लड़की हीरोइन होगी सर वो कैमरामैन डायरेक्शन डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर लाइटर सभी लोग हैं सर यानी मैं इतना बड़ा बेवकूफ दिखता हूँ तुमको अरे ये बात नहीं है सर सुनो सर कहानी के लिए 10 या 15 देते हैं फिल्म के लिए लाखों करोड़ों लगते हैं तुम्हें डायरेक्टर बनाने के लिए और तुम सब लोगों को एक्टर बनाने के लिए मैं ही बकरा मिला हूँ क्या सर यानी कि मैं तुम लोगों पे लाखों करोड़ों खर्च करूँ मैं एबीसी दिखता हूँ क्या सर एबीसी का क्या मतलब एबीसी का क्या मतलब है सर एबीसी से तुझे क्या करना है ज्यादा मीनिंग में मत घुसो सॉरी सॉरी सर सॉरी सर हम अच्छे से करेंगे सर अच्छे बुरे की बात नहीं है पॉइंट ये है कि सुन रहा है पहले बताया था ना फिल्म एक बिजनेस है यहाँ कोई स्कूल खोल के नहीं बैठा है सिखाने के लिए टैलेंट है या नहीं पता चले बिना लाखों करोड़ों रुपया मैं नहीं खर्च कर सकता रुको रुको मैं बोल रहा हूँ ना डायरेक्टर सर अरे चांस देने के लिए कोई स्कूल खोल के नहीं रखा है बोला था ना पैशन से मेरी बात सुनो तुम्हारी इस कहानी के लिए 10 या 20 हजार देंगे 20 हजार इसलिए देंगे क्योंकि कहानी अच्छी है कहानी नहीं बेच सकता सर मेरी बात सुनो इसके अलावा तू डायरेक्टर और ये एक्टर बोला तो तुम लोग बाहर जा सकते हो बाहर निकलो राइट नाउ गो टैलेंट नहीं दिखाया तो मौका नहीं देते अरे मौके के बिना टैलेंट दिखाएंगे कहाँ से क्या मतलब है यार इन बातों का लेकिन मेरे मुताबिक तुमसे अच्छा डायरेक्टर पूरी इंडस्ट्री में नहीं है अरे शालिनी शशि तुझे अच्छा लगता है तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है ओ सुनीता
यहाँ मैं और तुम क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर क्या सोचता है ये जरूरी है। यार वो भगवान को देखो, टैलेंट देता तो पैसा नहीं देता, पैसा देता तो टैलेंट नहीं देता। अरे अब वो सब छोड़ो विकास, अब आगे क्या करना है वो सोचो। मेरे पास एक आइडिया है, हमारी कहानी तो उसे पसंद आई गई है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए हम एक शॉर्ट फिल्म बनाए तो। शॉर्ट फिल्म? यस, अपने स्क्रिप्ट से एक सीक्वेंस लेकर 5D कैमरा से शूट करके मैं डायरेक्ट कर लूंगा, तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, ये कैमरा चला सकता है और इस तरीके से हम प्रोड्यूसर को दिखा सकते हैं। फैंटास्टिक आइडिया, इस झटके से इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे। बट आइडिया सच में फैंटास्टिक है। सिटी के बाहर खंडाला के पास एक पुरानी टूटी हुई केमिकल फैक्ट्री के बारे में तुम लोग जानते होंगे, वहीं पे शूट कर लेंगे। तू पागल हो गया है क्या, वहाँ पर क्या हुआ सब लोग जानते हैं, गैस लीक होकर बहुत लोग मर गए और बचे हुए लोग घर छोड़कर भाग गए वहाँ से। क्या बात करता है तू, तब से वहाँ कोई नहीं गया है। हाँ हाँ यार, वहाँ भूत भी रहते हैं, मैंने सब सुना है। भूत प्रेत? यानी गैस लीक होने से जो लोग मर गए वो भूत बन गए? अरे चुप करो, अरे मुझे तो वही लोकेशन पसंद। अरे मेरी बात तो सुन, जो जगह खाली होती है वहाँ पे भूत होने का रूमर्स होता है। अरे तुम लोग तो डर रहे हो, उसे भी क्यों डरा रहे हो? देखो आजकल भूतों पे यकीन करना बेवकूफी है, अगर हमने ये मौका छोड़ा तो आगे मौका मिलना बहुत मुश्किल है। आखिर शशि का प्लान वर्कआउट होगा क्या? किसको पता, आखिर क्या वर्कआउट होगा क्या नहीं, आखिर कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं, ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, अरे हम जो सोच रहे हैं उससे क्या वर्कआउट होगा क्या नहीं। यानी कुछ ट्राई करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नो, अगर हमें साथ रहना है, घर वालों को शादी के लिए मनाना है, तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तो ही वर्कआउट होगा। बेबी इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, जितना जल्दी हो सके ना मुझे तुम्हें अपना बनाना ही अपनी प्रायोरिटी है। विकास। हाँ बेबी, मुझे तुम, तुम्हारी खूबसूरती बहुत ज्यादा पसंद। अरे आकाश तूने ये कार अरेंज की है ना, इसलिए शशि ने तुझे शॉर्ट फिल्म में हीरो बनाया, बस तू अपने आप को हीरो मत समझ बैठना। मैं खुद को हीरो नहीं समझता हूँ, मैं हीरो हूँ। अच्छा। ए चुप रहो यार, हर बात पे झगड़ा करते हो। अरे 4 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, पहली बार डायरेक्ट करने जा रहा हूँ मैं। हेलो, डायरेक्शन नहीं शॉर्ट फिल्म डायरेक्शन। ये क्या कहा, शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है तो डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, फिर भी थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म बनाओ तो डायरेक्टर। अरे नहीं, लॉन्ग फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो, डायरेक्टर की फ्रेमिंग, एक्टर की एक्टिंग। ऑफ कोर्स, बेबी सही कह रही है। Yes. वो सब कुछ नहीं है, फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म है। रुको रुको रुको, वो देखो वो कौन है? मैं जाके देखता हूँ। क्या है वो? आकाश। ओके, वहाँ चल के देखते हैं। ओके। लगता है दारू पीकर गिर गया है। बेबी तुम यहीं रुको। हाँ। ए, हेलो। गाइस संभल के। विकास डोंट डू दैट। इस लकड़ी से हटाता हूं। पागल होगा यार, पी करके पड़ा हुआ है। भाई थोड़ा संभल कर भाई। अरे उसे छोड़ना, वापस चलते हैं यार। संभल कर। आकाश केयरफुल। अरे हो कैसे? कौन हो रे तुम लोग, कहां जा रहे हो? खंडाला केमिकल फैक्ट्री की तरफ। वहां पर क्यों? एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, अच्छा लोकेशन है वो। वहां पर लोग मर रहे हैं और तुम फिल्म बनाओगे? अरे चलो यार, चलो चलो। अरे पागल हो गया बे बड़ा, तो वहां से कोई वापस नहीं आता। ओह माय गॉड, चले जाओ। चलो भाई चलो, ठीक है। उस गेट को पार करने वाला कभी वापस नहीं आता, चले जाओ। चलो चलते हैं। चलो यार। चले जाओ। अरे चले जाओ यार, जा रहे जा रहे जा रहे। रुको, चल 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 चल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मारे जाओगे, अरे लौट जाओ नहीं तो मारे जाओगे, अरे रुक जाओ, बच जाओ, रुक जाओ। अरे उस
पागल की बात मान लेते हैं यार। चलो यार यहाँ से वापस चलते हैं उस पागल की बात मानकर। अरे वो पागल है यार, इसलिए कुछ भी बक रहा है। वो भी तुम लोग की तरह रूमर सुना होगा, उससे क्यों डर रहा है यार तू? अरे वहाँ भूत होंगे यार। ब्रेक इज नॉट वर्किंग, शिट। आकाश, आकाश कह रहे हैं। अरे मैं पहले ही बोला था वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पर भूत होंगे, मेरी बात कोई मानता ही नहीं। अरे रुका गाड़ी, गाड़ी रोक। अरे कुछ भी करके रुका गाड़ी। अरे आकाश मैं तू तो यार यार प्लीज गाड़ी रोक, वापस चलते हैं, मेरी बात सुनो। अरे वहाँ भूत होंगे, वहाँ नहीं चलते। अरे चुप करो, गाड़ी रोक, गाड़ी आकाश गाड़ी रोक। आकाश मजाक करता है तू, जानता है ना मुझे डर लगता है। This is where we are shooting. Wow, तेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से तो मस्त लोकेशन है यार। कितना अच्छा लोकेशन है ना? अपने सीन के लिए करेक्ट लोकेशन है। Wow. अरे केशव, हाँ बोलना। तुझे एक स्पॉट दिखाता हूँ। अरे लॉक शूटिंग हो गया ना? किसी ने लॉक किया यार। क्या हुआ? चलो उस तरफ चलते हैं। कूदो, आ जाओ। हम कैसे आएंगे गाइस? Wow. शॉट के वक्त भी ऐसे ही कूदना। Idiots.